हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज आचार्य। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस के ऊपर बात। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्टेट बोर्ड बोल ही चुका है कि अप्रैल एंड में हमारा एग्जाम हो जाने वाला है। अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, लगभग 3 months है, और इस 3 months में हम लोग चाहें तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रिस्क्राइब करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि जनरली जो न्यू सेट पेपर जैक बोर्ड अलाउ किया है उसमें हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला, किस तरह से उसका प्रिपरेशन करना हम लोगों को। तो हमारे पास देख सकते हैं कि लगभग 1 marks क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेट बोर्ड अलाउ किया है वो आपका 30 marks का है, जिसमें से आपके पास क्या है कि जनरली 20 MCQ दिया गया है। इस 20 MCQ में आपके पास क्या रहेगा, 4 options रहने वाले हैं, और इस 4 options में आप लोगों को क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। ये आपका 20 marks का क्वेश्चन हो जाता है। एंड देन एंड ऑल हम लोग देख सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, 10 questions MCQ यानी FITB पे आ रहा है, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। और इस फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी 8 questions को सॉल्व कर सकते हैं। यानी टोटल 30 marks क्वेश्चन हमारे पास 1 marks का है। उसके बाद जनरली हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये 30 marks कंप्लीट जैसे ही होते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास फिर से 10 questions है, और ये इस बार जो 10 questions हमारे पास है वो 2 marks के होने वाले हैं। तो आपके पास क्या हो जाते हैं कि इधर से आपका 30 marks उठ जाता है और इधर से आपका हो जाता है 20 marks। एंड देन एंड ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में हमारे पास क्या है कि जनरली 5 questions है, और ये 5 questions जो आपके पास है वो 4 marks के हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द 20 marks। एंड देन हम लोग देख सकते हैं फिर हमारे पास सेक्शन डी का पार्ट आ जाता है। एंड सेक्शन डी के पार्ट में हमारे पास क्या है कि टोटल 4 questions है, और वो भी हमारे पास कितने मार्क्स के हैं, 5 marks के हैं, जो कि आपका फिर से 20 हो जाता है। तो इस बार जैक बोर्ड टोटल जो है आपका 90 marks का पेपर लेने वाला है। एंड देन हमारा जो होगा 10 marks जो होगा हमारे स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिर इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें और कैसे हमारा सारा प्रिसीजन रहेगा वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वीडियो लेक्चर्स में हर एक सेट पेपर का हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आज जनरली हम जो है सबसे पहले मैथ्स का सेट 1 को हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कि जनरली इसमें क्या होने वाला और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे कम से कम टाइम में। गॉट इट? नाउ स्टार्ट। इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लें। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहता है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 120 का आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हम लोग LCM करते हैं, 2 के टेबल में 60 टाइम्स में हो जाता है, 2 के टेबल में 30 हो जाता है, 2 के टेबल में 15 हो जाता है, 3 के टेबल में 5 हो जाता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपके पास जो बनेगा वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 5, दैट इज 2 के ऊपर पावर कितना आ रहा है, 1, 2, 3। तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, 2 × 3 × 3 × 1 × 5 × 1। और हम लोग देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर A, B, C और D का अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर A में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन A में हमारे पास है 2 × 3 × 3 × 5। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बताया जा रहा है निम्न बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ग्राफ से बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा कि जनरली हमारे पास कोई भी ग्राफ रहता है तो x अक्ष पर जितना बार भी वो ग्राफ अपने आप को कट करता है उतना उसका शून्यक हो जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल जो ग्राफ अवेलेबल है वो कुछ ऐसा है, और हम लोग देख सकते हैं कि x अक्ष को ये 2 बार कट कर रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर 2। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। हमारे पास 4 options है। ऐसे तो देखो सॉल्व तो हम लोग सभी को कर सकते हैं, बट उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम लोगों को कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को डील करना है। तो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए में x + 1² = 2x - 3। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि a + b² देन a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओपन द ब्रैकेट टू एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स. यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर हो गया वन, ये हो गया टू एक्स, दिस इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स. क्या हम लोग जानते हैं LHS से RHS में हमारे पास आएगा, देन वी हैव टू यूज अ नेगेटिव सिंबल. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, इधर आके प्लस सिक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो, कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बराबर जीरो. हम लोग देख सकते हैं चूंकि इस पूरे बहुपद का जो सबसे अधिकतम घात है वो लगभग हमारा दो है, ठीक है, और दो है तो इसका जनरली इसका नाम पड़ेगा द्विघात समीकरण. दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गॉट इट? तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार. अब कहता है चौथा में हमारे पास कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करना हम लोगों को, ठीक है. तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा. साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 72, क्योंकि 90 से 72 जाएगा तो 18 बचेगा, डिवाइडेड बाय दी कॉस 72 डिग्री. जैसा कि हम सभी जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस और थीटा क्या है 72 बटे कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, आंसर आ गया 1. तो इसका आपका पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा. देन इसका आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही 2 लिखा है, ठीक है. ऑप्शन ए में भी आंसर 2 लिखता है, ऑप्शन सी में भी आंसर 2 लिखता है, तो इन दोनों में से कोई एक मिसप्रिंट है. तो हमारा आंसर फिलहाल तो 1 हो जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस में ही अवेलेबल नहीं है. तो उसके लिए कोई पैनिक होने वाला बात नहीं है, एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको उतारना है तो उतार लें. अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार अंतर इनमें से कौन है, ठीक है. तो हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन 3 1 -1 -3 में हम लोगों को निकालना है सार्व अंतर. तो सार्व अंतर का क्या फॉर्मूला होता है, द्वितीय पद को प्रथम पद से घटा देना है. तो द्वितीय पद कितना है 1, प्रथम पद कितना है 3, 1 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा -2. तो हम लोग देख सकते हैं कि -2 है हमारे पास प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर ए के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाले, प्रश्न संख्या 6, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, ठीक है. तो चलिए देखिएगा, हम लोग जैसा कि जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बोले या फिर परिधि, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और r कितना हमारे पास कैपिटल R, तो आंसर हो गया 2πr ऑप्शन नंबर सी. तो हमारे पास हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. चलें आगे की तरफ बढ़े. कहता है सभी वृत्त क्या होते हैं, ऑप्शन ए सर्वांग सम समरूप, सर्वांग सम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं. तो देखिएगा हमारे पास एक वृत्त है, तो वृत्त क्या होता है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. तो ऐसे दो कोई भी बहुभुज जो कि देखने में केवल समान होते हैं उन्हें कहा जाता है समरूप, ठीक है. जबकि वहीं पर दो ऐसे बहुभुज जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वांग सम. तो हमारे पास 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 7 के लिए हमारे पास जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समरूप हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा बता सकते हैं दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, तो याद रखिएगा दो वृत्त सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है. प्रश्न संख्या 8, 12 15 और 21 का लसा, इट मींस एलसीएम ज्ञात कीजिए. चलिए देखते हैं.
तो कहता है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 8 में 12, 15, 21 का लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा यानी एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले 12, 15, 21 को डाल दिए ऐसे, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे तीन के टेबल में, तीनों कट रहा है, तीन के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 15 आता है 5 बार में, 21 आता है 7 बार में। अब ऐसा और भी कोई पहाड़ा है जिसमें ये तीनों संख्या आता है या फिर दो भी संख्या? तो ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 3 × 4 × 5 × 7। आंसर हो जाएगा 4 × 12 = 25 60 × 7 = 42, दैट इज 420। तो आपके पास ऑप्शन नंबर है 420, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गॉट इट। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद क्या है होगा जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, देखिएगा, जिनके शून्यकों का योग, तो हमारे पास क्या है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। हमसे पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इधर जनरली हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 × x, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 + 1। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 भी हल हो चुका है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 के तरफ। कहता है प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास, इसको नोट करना हो तो कर ले, प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास कहता है टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यकों क्या है। क्वेश्चन भी बड़ा अजीब है भाई। हाँ, तो इसका शून्य पूछना चाहता है, वो थोड़ा स्टेटमेंट में उसका गलती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, a² - b² तो a² - b² मतलब a - b, और फिर दूसरा बार क्या हो जाएगा आपके पास a + b। ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना, शून्यक, तो शून्यक का मतलब ही होता है शून्य। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को ही शून्य के बराबर लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा t − √15 = 0 और t + √15 = 0। तो t का आंसर आ गया −√15, उधर प्लस में हो जाएगा, और t का वैल्यू प्लस रूट इधर होकर −√15 हो जाएगा। तो आंसर है √15 − √15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ेंगे। अब कहता है निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र जहां तक हम लोगों को पता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए द्विघाती सूत्र होता है −b + √ b² − 4ac / 2a। ठीक है, तो इसमें आप लोग चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में ये सेम आंसर मैच कर रहा है आपके पास। तो ये ऑप्शन सेम मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है यदि d = 0 अर्थात विविधकर शून्य हो तो इनमें से क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास विविधकर शून्य होता है, विविधकर मतलब जो आपका d का वैल्यू है अगर शून्य हो जाता है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट शून्य हो गया, और जब ये पूरा पार्ट आपका शून्य हो गया तो दोनों ही रूट क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि अगर शून्य को जोड़ो या घटाओ बात दोनों होता है आपका बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर
टी बराबर जीरो है तो शून्य क्या हो जाएंगे, वास्तविक तो होंगे ही लेकिन समान होंगे। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए क्या कहता, बराबर और वास्तविक। समझ में आ रहा है, चलिए आगे और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता, अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 13 में, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास क्या है, लंब का स्क्वायर, ठीक है सॉरी कर्ण का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कौन से त्रिभुज में होता है, सम, कौन सा त्रिभुज में हमारे पास होता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न संख्या 13 का हल। अब बच्चों देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है, दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा दूरी का सूत्र हमारे पास होता है, दूरी बराबर रूट ओवर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का ओवर रूट, जिसको दूरी सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो दूरी के लिए सूत्र क्या बन गया, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। ठीक है, सॉरी दिस विल बी ऑप्शन नंबर अगेन स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास मिसप्रिंट है, आपके पास क्वेश्चंस में है ऑप्शन नंबर ए में x1 - x1 जो कि मिसप्रिंट है, यहां पे होना चाहिए था आपका x2 - x1 का स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो ऑलरेडी गलत हैं, क्योंकि ऑप्शंस बी में प्लस है बीच में, ऑप्शन सी में बीच में ही माइनस यूज किया गया है, ऑप्शन डी में स्क्वायर ही नहीं है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, बट ऑप्शन ए में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा। अभी तक देख सकते हैं दो क्वेश्चंस में मिसप्रिंट निकला हमारा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15, साइन 30 डिग्री का मान क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में कहता है साइन 90 - थीटा किसके बराबर है। तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे हम कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 भी हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 17, ए भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 17 में घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पास भुजा का क्यूब। याद रखिएगा भुजा क्यूब, और भुजा आपके पास कितना है, भुजा है आपके पास ए, तो आंसर हो जाएगा ए का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहता है इनमें से ये शंकु का आयतन कौन है। तो याद रखिएगा शंकु का आयतन आपके पास होता है, प्रश्न संख्या 18 के लिए शंकु, शंकु का शेप तो सबको याद होगा, सॉरी शंकु नहीं, शंकु, शंकु का आयतन, तो शंकु का शेप कुछ ऐसा होता है एक कोण के प्रकार का, ये आइसक्रीम का जो कोन होता है या फिर जो टोपी होती है उसको कहते हैं हम लोग शंकु। तो शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र है 1/3 πr²h, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए अब बस दो क्वेश्चन और बचा है, इसके साथ ही हमारे पास सेक्शन ए का जो एमसीक्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। अब कहता है वर्ग अंतराल 20 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बता देना चाहते हैं वर्ग चिन्ह जो है आपका वो किस चैप्टर से है, आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी के अध्याय का है। ठीक है, तो सांख्यिकी में कहा जाता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का सूत्र होता है अपने पास कि दोनों को पहले जोड़िए और दो से डिवाइड कीजिए, 35/2, तो हमारे पास वर्ग चिन्ह आ गया 17.5, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत?
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो एक प्रश्न संख्या में 20 में पूछा जा रहा है कि हमारे पास प्रायिकता नहीं होने के लिए कौन सा ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, लेकिन इसके बावजूद ऑप्शन नंबर बी में आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है 1.5, जो कि 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस ये कभी भी किसी भी संख्या की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। इसी के साथ हमारा एमसीक्यू हो जाता है कंप्लीट। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दे। नाउ अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास मैथ्स के लिए बड़ा ही आसान सा हो जाता है। बच्चों एक और बात बता देना चाहेंगे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट आपके पास है ना, जिसमें आप लोग 100 में से 100 बिल्कुल आसानी से उठा सकते हो। फिलहाल 90 तो उठा सकते हैं, 10 तो आपके स्कूल के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जरा ध्यान से करेंगे ना तो हम लोग का बड़ा आसानी से हो जाएगा। जैसे अभी हम काफी स्लो, यानी कि आप लोग को समझाते समझाते ही किए हैं, तो कुछ ही मिनटों में हमारा पास सारा 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो हम लोग आगे भी देखते हैं। कहता है आपके पास प्रश्न संख्या 21 में, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है, अद्वितीय या अनेक। ठीक है, तो देखिएगा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कोई भी एक आप प्राकृत संख्या ले लीजिए, मान लेते मेरा मन किया लेने का 10, ठीक है 10 ले लिए, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 5। तो ये कहता है कि गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है अथवा अनेक होता है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ही हम लोग जनरली लेते हैं, यानी यहाँ पे अलग अलग होता है, यानी 2 × 2 × 2 भी अगर होता है तो उसको एक कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? अद्वितीय होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22 को, प्रश्न संख्या 22 कहता है √2 संख्या है। तो √2 क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस भी संख्याओं को हम लोग p/q में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। और √2 को लाख चाहने के बावजूद भी हम उसको p/q में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √2 क्या हो जाएगा? परिमेय होगा अथवा अपरिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे क्यों आएंगे, प्रश्न संख्या 23 कहता है जब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या 23 कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हमें डैश हल प्राप्त होते हैं, तो हमें एक हल प्राप्त होते हैं या अनेक हल प्राप्त होते हैं? तो बता देना चाहूंगा कि जब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमें केवल एक हल प्राप्त होते हैं, मतलब एक का मतलब होता है अद्वितीय। ठीक है, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 में, प्रश्न संख्या 24 कहता है ax2 + bx + c = 0 हो तो विविक्तकर डैश होता है। याद रखिएगा, तो आपका विविक्तकर का फॉर्मूला b2 − 4ac है। दो ऑप्शंस है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? b2 − 4ac। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है यदि b2 − 4ac = 0 हो तो मूल डैश होंगे, वास्तविक अथवा काल्पनिक। तो याद रखिएगा, b2 − 4ac = अगर हमें 0 बताया जा रहा है, मतलब b का मान भी 0 है, और जब b का मान अगर 0 से छोटा होता है, देखिएगा 0 की तरफ मुंह खोले है, मतलब 0 बड़ा है और d छोटा है, तो अगर d का मान 0 से छोटा होता है तभी वह केवल काल्पनिक होगा अथवा वह वास्तविक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोगों का 25 भी, सॉरी ये प्रश्न संख्या 26 था, हाँ ये प्रश्न संख्या 26 था, सॉरी प्रश्न संख्या 25 छूट चुका है। प्रश्न संख्या 25 कहता है ax2 + bx + c को डैश कहते हैं, द्विघात बहुपद अथवा द्विघात समीकरण। तो सुनिएगा, अगर कोई भी टर्म अगर आपके पास 0 के बराबर होता है तब तो वह द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा अगर वह डायरेक्ट लिखा है तो वह द्विघात बहुपद होता है। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात समीकरण ये है, द्विघात बहुपद ये है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो हल होगा वो आपका होगा द्विघात बहुपद। अब हम लोग आगे की तरफ चले। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 कहता है
किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी अथवा गुणोत्तर श्रेणी। तो याद रखिएगा, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर, अगर सार्व अंतर बराबर होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास है 2, 4, 6, 8, तो सार्व अंतर, इसका अंतर है 2, इसका अंतर है 2 और इसका भी अंतर है 2, तो यदि हमारे पास सार्व अंतर जो है, जिसको हम लोग डी के भी नाम से जानते हैं, समान आता है तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो 27 का आंसर हो जाएगा बच्चों समांतर श्रेणी, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 28 कहता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, समरूप के लिए हम क्या आपको बताया थे, समरूप के लिए सेम रूप होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो सेम रूप में कह सकते हैं, तो सेम रूप के जो त्रिभुज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही होते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 के लिए, प्रश्न संख्या 28 के लिए जो आंसर है आपके पास वह है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। 1090 माइनस थीटा होता है, क्वेश्चन नंबर 29, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा। अब है प्रश्न संख्या 30 केवल, तो याद रखिएगा कि किसी घटना E के होने की प्रायिकता और किसी घटना E के नहीं होने की प्रायिकता को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वह होता है 1, ठीक है। जैसे के साथ हमारे पास क्या होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एंड, और अब हम लोग एंटर करते हैं सेक्शन बी में जिसका है हमारे पास 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं कि उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों जिस तरह की हमारे पास सेक्शन ए बहुत ईजी था, उसी तरह सेक्शन बी भी काफी ईजी होने वाला है। तो बच्चों देखते हैं सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 31, यदि HCF 305, यहां से ध्यान से देखिएगा एकदम बिल्कुल, HCF जो है 306,657 बराबर है आपके पास 9, तो कहता है LCM इसका ज्ञात कीजिए, LCM बराबर व्हाट, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके पास एक सूत्र है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, तो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल होगा 306×657 बराबर LCM, तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं X, और HCF हमारे पास कितना है 9, तो हमारे पास मैथ्स के अकॉर्डिंग X का जो आंसर होगा वो निकलेगा 306×657/9, ठीक है, 9 नीचे ले आए। अब बच्चों काट तो इसको भी सकते हैं, काट तो इसको भी सकते हैं, लेकिन आसानी से जो कटे ना उसको काटिए ताकि आपको गुना करना आसान पड़े। तो 9 के पारा में 9 7 63, 2 उधर गया तो 9 3 27, तो आपके पास आ जाएगा 73×306। अब 306 को 73 से गुना करना हमारे लिए काफी आसान पड़ेगा, 6 3 18 3 3 9 7 6 42 7 3 21, आंसर आपके पास आता है 8 2 1 3 9 4 13 का 3, हाथ में 1 1 1 2 2, आपके पास आंसर आता है 22,338, ठीक है। तो आपके पास 31 का आंसर क्या हो गया 2238। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 32 के तरफ, इसको उतार ले। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 32 के तरफ। प्रश्न संख्या 32 में कहता है आपसे बच्चों कि x square minus 2x minus 8 द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोगों को शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इसके आगे का संख्या क्या है, तो अंक है 1
और इसका अंक है 8, तो 1 और 8 का गुना कीजिए आपको मिलेगा 8, 8 का लीजिए एलसीएम, तो 4 के पहाड़ा में 2 बार में। अब 4 और 2 में कुछ ऐसा कांड करना है हमको कि बीच वाला संख्या हम लोगों को मिल जाए, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब 4 और 2 से क्या करे जाता कि 2 आ जाए, तो हम 4 में से 2 को देंगे घटा, लेकिन हम 4 के आगे रखेंगे माइनस, चूंकि हमें चाहिए यहां पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होके मिलेगा हम लोगों को ये आंसर। तो हमारा आंसर होगा x को कॉमन लीजिए x माइनस 4, 2 को कॉमन लीजिए, 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, आपका आंसर निकलेगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो आपका आंसर हो गया x का माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x का आंसर 4, x का आंसर माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गई आपके शून्यकों का हल। ठीक है, तो शून्यक आपके पास ये हो जाता है। तो 32 के बाद हम लोग चलेंगे आप प्रश्न संख्या 33 के तरफ। तो ये स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न संख्या 33। तो बच्चों प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपके पास क्या है एसी बराबर बीसी है। अब कहता है यदि एबी का स्क्वायर जो है आपका बराबर है 2AC के स्क्वायर के, तो सिद्ध कीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा, अगर आपके पास AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए AC और BC आपस में है बराबर, तो यहां पे हम करेंगे AB स्क्वायर का AB स्क्वायर बराबर AC के जगह पे लिखेंगे BC, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर अगर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, तो वह दिया हुआ त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो हम कहेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा बच्चों ये बताइएगा, तो इसमें समकोण कहां पे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या हो रहा है AB, तो AB यानी इसका स्क्वायर बाकी के स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पे आपका क्या होगा C जो होगा वो होगा 90 डिग्री, C जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो आपके पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल C बराबर 90 डिग्री है। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 आपसे कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा साइन ए बराबर 3/4 हो, 3/4 मतलब P/H। ठीक है, तो P आपके पास हो गया 3, H हो गया आपके पास 4, गायब क्या है बेस आपके पास गायब है। ठीक है, तो बेस कैसे निकालोगे, ओवर द रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H कितना आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाता है 7, तो आपके पास बेस आता है 7। और हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 4। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 34 के लिए हल। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 35 के तरफ। प्रश्न संख्या 35 कहता है हमसे यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कहता है एक वृत्त है, इस वृत्त में कहता है वृत्त एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक Q है यहां से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है,
और उस बिंदु से केंद्र तक की दूरी जो है आपके पास वह है लगभग 25 सेंटीमीटर की। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना कि वृत्त की त्रिज्या है x, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्पर्श रेखा होता है वह क्या होता है, त्रिज्या के साथ लंबवत होता है। चूंकि OA जो है वो आपका लंबवत है AQ पर, अतः हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर यानी कि आपका OQ का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस आपके लंबाई का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास OQ कितना है, 25 का स्क्वायर, OA है आपके पास x का स्क्वायर, AQ है आपके पास 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, x स्क्वायर प्लस 576, 24 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 625 और 576 इधर आके माइनस 576 बराबर x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर है आपके पास 49 और 49 के ऊपर अगर हम डालते हैं रूट तो हमारे पास आता है 7, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा कि x का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 7। लेकिन याद रखिएगा कि प्लस माइनस 7 तो है परंतु x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि माइनस 7 जो होता है दूरी कभी भी संभव नहीं है। ऐसे x का आंसर प्लस माइनस 7 दोनों है तो x का आंसर 7 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 35 भी होता है हमारा खत्म। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36 कहता है बिंदु ए और बी के नियमांक क्रमशः 2, 3 और 4, 1 हैं। बिंदु ए आपके पास क्या है, 2, 3 है और बिंदु बी है 4, 1। तो कहता है उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहां से देखते हैं प्रश्न संख्या 36। तो हमारे पास x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x2 का मान है 4, y2 का मान है 1। दूरी सूत्र से अगर बात करें तो दूरी सूत्र हमें कहता है दूरी सूत्र बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास x2 कितना है, x2 है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर ओवर द रूट। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर ओवर द रूट। 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 4, 4 4 होते हैं 8 और रूट 8 का बात करें तो 8 का एलसीएम लीजिए, 2 के पहाड़ा में 4, 2 के पहाड़ा में 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 इस पे रूट डालेंगे तो 2 एक बाहर आएगा और 2, तो आपका आंसर है 2 रूट 2 मात्रक। समझ में आ गया बच्चों, तो ये है प्रश्न संख्या 36 के लिए हल। एक और बात बच्चों, एक में से तीन गया तो माइनस दो तो आ गया और बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं अक्सर कि माइनस दो का स्क्वायर को भी वो माइनस चार लिख जाते हैं। तो याद रखिए माइनस दो गुना माइनस दो तो दो दूनी तो चार हुआ और माइनस माइनस इसको प्लस बना दिया इसलिए हम प्लस यूज किए। और अपने दिमाग में एक बार तो बैठा लीजिए कि माइनस का स्क्वायर कभी भी करो ना तो आंसर हमेशा प्लस देगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं दे सकता है, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 37 कहता है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में किए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 3, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएंगे और आरोही क्रम आप लोगों को याद होगा कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में हम लोगों को लिखना है। तो प्रश्न संख्या 37 के लिए है आरोही क्रम में पहले संख्याओं को निरूपित करेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6
अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है, 2। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक हमारे पास होगा बहुलक बराबर 2। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 हमारे पास कहता है कि यदि बहुलक बराबर 10 है, ठीक है, देखेंगे बहुलक बराबर 10 और हमारे पास फिर क्या है, बहुलक 10 के बाद हमारे पास है माध्य भी 10 है हमारे पास, ठीक है, माध्य 10 है, ठीक है। तो कहता है माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक बराबर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, ठीक है, 2 गुना माध्य। तो हमें क्या निकालना, हमें माध्यक निकालना है। तो बहुलक है हमारे पास 10 प्लस 2 गुना माध्य है 10, तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 20, आंसर हो गया 30। तो ये है आपका 3 माध्यक, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ माध्यक कितना आएगा, तो आपके पास सिर्फ माध्यक आ जाएगा माध्यक बराबर 30/3, जो कि आंसर है 10, ठीक है। हाँ, एक और बात बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, प्रश्न साथ था आपका, वो था 14.4 से, वैसे तो सिलेबस में काटा गया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया था तो करवा दिए हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39 कहता है बच्चों हम लोगों से कि यदि प्रायिकता जो है ई की जो है 0.005 है, तो हम लोगों से कहता है ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा कि प्रायिकता ई की और प्रायिकता ई नहीं की जो होती है वो दोनों को जोड़ने पर 1 होती है। तो प्रायिकता ई की कितनी है 0.05 और ई नहीं की मान लेते हैं एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान है 1 माइनस 0.05। अब इसको घटाइए तो देखिए 1 और 0.05, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 0 लगाइए, 10 में से 5 गया 9, पैचा लिए सॉरी 10 में से 5 गया 5, पैचा लिए तो आपका 9 9 और 1 में से 0 गया तो 0, आपका आंसर है 0.995। समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे की ओर चलेंगे। अब हमारा जो है सेक्शन बी का अंतिम क्वेश्चन कहता है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्रायिकता में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास चाहिए कि पट पहले पूछा है चित आने की, तो चित आने की संख्या हो जाएगी चित बराबर 1, पट आने की संख्या 1, कुल संख्या हमारे पास हो जाएगी 2। तो प्रायिकता चित के लिए कितनी हो जाएगी, तो चित के लिए प्रायिकता हो जाएगी आपकी, फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि चित आने की संख्या बट्टा कुल संख्या, आंसर हो जाएगा आपका 1/2। उसी प्रकार पट आने के लिए भी पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, पट आने की संख्या बट्टा कुल संख्या, पट 1 बार कुल 2 बार। तो इसी के साथ हमारा होता है इसका भी आंसर 1/2। इसी के साथ बच्चों हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है कंप्लीट। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाए इसके लिए इसको आज हम यहीं तक रोक रहे हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 इट मीन्स आगे के भी प्रश्नों के हल चाहिए देन प्लीज कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।